ये मेरे पास रियलमी का C2 मॉडल है, रियलमी का C2 मॉडल है, ये बिल्कुल ओके कंडीशन में है, बिल्कुल चालू मॉडल है। मैं इसका CPU रिबॉल करके आपको दिखाता हूँ, फिर दोबारा हमसे चालू हो पाता है या नहीं। तो मैं इसको मैं बोर्ड को बाहर निकाल करके और इसका MMC इसका शील्ड मैंने निकाल लिया है और मैं इसका MMC को कवर कर लेता हूँ चूँकि MMC पे हीट ना लगे। और मैं इसको स्टैंड में डाल करके और इसको मैंने स्टैंड में फिट कर दिया है। और यह जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह बिल्कुल ब्लैक पेस्टेड है, चारों तरफ से पेस्ट लगा हुआ है। यह मेरा ब्लैक पेस्टेड CPU है। मैं इसको रिवॉल्व करता हूँ और मैं फिर देखता हूँ कि मेरा ये काम सक्सेस हो पाता है या नहीं। तो मैं सबसे पहले ग्लू कटिंग करने के लिए एयर को मैं एक पे ही रहने दूंगा और हीट को मैं 280 पे सेट करूँगा और मैं साइड साइड का जो ग्लू है वो कटिंग कर लेता हूँ। साइड साइड का ग्लू कटिंग कर लिया है और मैं ये CPU को मैं बाहर निकालता हूँ। और मेरा अभी एयर है 2 पे और हीट है 350 पे। जैसे कि मेरा सरफेस वाला जो रंगा है वो पघिल गया है, तो मैं अब CPU को आराम से निकालने की कोशिश करता हूँ। और मेरा ये CPU निकल गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरा यहाँ पे बॉल पूरी मेल्ट नहीं हुआ था और बाकी कुछ मेल्ट हुआ, कुछ मेल्ट नहीं हुआ और मेरा एक भी प्रिंट डैमेज नहीं हुआ। और ये बॉल मेल्ट नहीं होने का नहीं होने की वजह से मेरा पूरा चांस है कि CPU मेरा बचा हुआ है, CPU ख़राब नहीं हुआ है, ज़्यादा हीट नहीं लगा है। अब मैं इसको रिसोल्ड और डिसोल्ड के माध्यम से इसको मैं साफ़ कर देता हूँ और फिर रिबॉल करके इसको बोर्ड में फिक्स करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा फ़ोन चालू है या फिर कुछ दिक्कत आया। और रोजिन डालने के बाद मैं इसको आयरन के सहारे जितने भी बड़े बड़े रंगे हैं उसको मैं आयरन के सहारे निकाल लेता हूं और फिर मैं इस पर डिसोल्डर वायर चलाऊंगा। और आयरन चलाने से मेरा ये जो ग्लू है वो भी नरम पड़ जाएगा तो निकलने में आसानी रहेगी इसको। बस हो गया। मैं CPU के ग्लू को आयरन से फिटिंग कर दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छा से मैं CPU को फिटिंग कर दे रहा हूँ आयरन से ही। अच्छा से देख पा रहे होंगे, हमको नहीं लगता है कि इसमें वीडियो में अच्छा से आएगा। ये सारे बोर्ड मेरा कट हो गया है, ये IC रिवर का आखिरी स्टेप है मेरा। सारे बोर्ड को मैं कटिंग कर दिया हूँ, ये भी बोर्ड ऐसे नहीं है जो कटिंग नहीं है। और फिर इसको मैं फाइनल हिट मारता हूँ। फिर बाहर से ले जाना हम लेते हो। ये मेरा फाइनल रिबॉलिंग हो गया।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको बहुत अच्छा से देखिएगा तो मेरा ये जो सीपीयू है बिल्कुल रिवॉल्व कर लिए हैं, बहुत अच्छा से रिवॉल्व कर दिए हैं इसको। मेरा सरफेस भी बिल्कुल क्लीन है और मेरा एक भी पैड मिस नहीं है। अभी मैं इसको बोर्ड में फिक्स करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा फ़ोन चालू होता है कि नहीं। तो मैं इसके लिए सबसे इसमें थोड़ा सा क्लक्स डाल लूँगा और इसको फिक्स करूँगा। ये मेरा बॉल जो मेरा सीपीयू थोड़ा सा तिरछा रखे हुए थे ये अपनी जगह पे चला गया है और इसको मैं फाइनल टच मारता हूँ। देख पा रहे हैं मैंने इसका सीपीयू अभी रिवॉल्व किया और ये मेरा 10-15 मिनट का मात्र ये थी है। ये मेरा फिर से फोन चालू हो गया और ये बैटरी चालू नहीं हो रही है, वजह से पूरा चालू नहीं है। तो फिर जैसे कि मैंने सीपीयू इसका रिवॉल्व किया है और ये मेरा परफेक्ट मेरा फिर से ऑन हो गया फ़ोन। तो मैं बताना चाहूँगा भाई दोस्तों जो कि हमको जान रहे हैं, जो भी हमको देख रहे हैं, सारे दोस्तों को मैं बताऊँगा कि मैं एशिया टेलीकॉम अक्टूबर महीने में गया था और वहाँ मैं कन्हैया कुमार बिहार के मुखियारी ज़िले से हूँ। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं इस फील्ड में मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में बहुत दिनों से जुड़ा हुआ था और एक्चुअली बताऊँ कि तो मैं 2010 से जुड़ा हुआ था और मैं उस ज़माने में काम करता था। उस समय सिम आईसी हुआ, कीपैड आईसी हुआ, उसको निकालो और जंपर मारो फोन चालू हो जाता था। उस समय आईसी लेवल का आईसी चेंज करने वाला उतना ज़्यादा काम नहीं आता था। उस समय सीपीयू हीट करो फोन चालू हो जाता था। तो उस तरीके का काम हम लोग करते थे और धीरे धीरे समय बदल गया और हम अपडेट नहीं हुए थे तो मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। धीरे धीरे मार्केट में बहुत सारे लड़के कहीं कहीं से सीख कर आते थे तो मुझे लगा कि मैं मार्केट में पिछड़ जाऊंगा। तो मैंने बहुत सारे रिसर्च करने के बाद अपडेट होने के लिए मैं एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया। बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बारे में पता करके मुझे मेरा मन कहा कि नहीं मैं एशिया टेलीकॉम चलता हूँ और मैंने वहाँ गया, वहाँ क्लास लिया। अक्टूबर का स्टूडेंट रहा मैं और मैं वहाँ क्लास के लिए गया और मैं वहाँ काफ़ी अच्छा से सीखा। वहाँ के जो भी टीचर हैं, जो भी सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वो अपना जीवन का सारा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करते हैं। जो भी प्रॉब्लम के फेस किए रहते हैं वो सारा वो अपने एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। वहाँ देव रतन अग्रवाल देव सर हैं, वो समझिए कि उनका नॉलेज काफ़ी हाई लेवल, उनका मतलब क्या कहें, जुबान नहीं है कि उनका उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा जा सकता। वो समझिए कि समुंदर है उनकी उनके ज्ञान जो हम लोग देते हैं। और मैं वहाँ से अक्टूबर में गया और वहाँ से सीखा मैं। मेरा क्लास जब शुरू हुआ था एक कंपोनेंट से क्लास शुरू हुई और एक कंपोनेंट मोबाइल में क्या महत्व रखता है वो वहाँ जाके हमको पता चला। एक कंपोनेंट का वैल्यू अगर इधर से उधर हो जाती है
तो फोन में प्रॉब्लम आ जाता है और आप कितना भी आईसी बदल लीजिए वो फोन नहीं ठीक होता है। तो मुझे वहाँ जाके पता चला कि वो कंपोनेंट कितना वैल्यूएबल कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट से मोबाइल मैंने वो कंपोनेंट कौन सा सेक्शन में लगा हुआ है, क्या वर्क कर रहा है, कितना वैल्यू का है, मैंने बहुत बारीकी से उसके बारे में बहुत डीप नॉलेज मिला हमको। उसके बाद मैंने आईसी के हर एक डाटा शीट पढ़ी, आईसी के हर एक पैड लाइन को पढ़ा, हर एक पैड लाइन के बारे में जाना कि उस पर क्या वैल्यू आना चाहिए, क्या जीआर आना चाहिए, क्या वोल्टेजेस आने चाहिए, कौन से आईसी का क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, ये सब मुझे वहाँ जाके पता चला। फिर वो सीपीयू और एमएमसी पे मैं बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल मैं काम ही नहीं करता था, ब्लैक पेस्टेड तो मैं सीपीयू छुआ ही नहीं, कभी निकाला ही नहीं था। मैं वहाँ जाके जब से मैं वहाँ से आया हूँ मैं बहुत अच्छा से काम कर रहा हूँ सीपीयू और एमएमसी का काम। आप मेरा कन्हैया कुमार शर्मा के नाम से फेसबुक आईडी है, आप वहाँ देख सकते हैं कि अक्टूबर से नवंबर में वहाँ से लौटे, अक्टूबर में मेरा कोर्स था, नवंबर में लौटने के बाद से आप फेसबुक आईडी मेरा देख सकते हैं कि मैं प्रतिदिन मैं कुछ ना कुछ डालता हूँ फेसबुक पे कुछ काम करके। तो वहाँ देव सर के साथ हार्डवेयर का क्लास हुआ, उसके बाद मेरा सॉफ्टवेयर का क्लास दुर्गेश सर हैं सॉफ्टवेयर का क्लास कराने के लिए। सॉफ्टवेयर में पहले से थोड़ा मोड़ा करता था, यूट्यूब से देख करके कर लेता था, तो मैं अनलॉकिंग वगैरह कर लेता था। वो मन में बहुत सारा डर लगा हुआ रहता था कि मेरा फोन डेड हो जाए तो मैं क्या करूँगा। और जब मैं वहाँ से आया तो मैं बिल्कुल डर खत्म हो गया और मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डेड होगा फोन, और डेड की सारी नॉलेज मेरे पास पता है कि फिर उसको चालू कैसे करना है। तो मैं अब डरता नहीं हूँ, मैं पूरी कॉन्फिडेंस से सॉफ्टवेयर करता हूँ। उसके बाद मेरा मिलन सर के साथ मेरा क्लास चालू हुआ EMMC का, EMMC स्टोरेज आईसी का क्लास चालू हुआ। UPI के बारे में मुझे डीपली नॉलेज मिला, मैं बहुत अच्छा से UPI यहाँ आकर के वर्क कर रहा हूँ, UPI से मैं बहुत अच्छा से काम कर रहा हूँ। और UPI के मैंने किस तरह से EMMC का ये स्टोरेज आईसी का हेल्थ रिपेयर करना है, किस तरह से चेंज प्रोसेस में क्या करना है, हमको बहुत सारा इसके डीपली नॉलेज हमको EMMC स्टोरेज आईसी से संबंधित पूर्ण रूप से जानकारी दिया गया। ब्लैक पेस्टेड के बारे में मुझे बताया गया, गूगल टेकर के बारे में लास्ट में बताया गया, मुझे बहुत अच्छा से वहाँ A to Z में जो भी सोच कर यहाँ से गया था उसे कई गुना वहाँ से जाके पाकर आया हूँ। और मैं यहाँ बहुत अच्छा से काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसी तरह से मेहनत करता रहा तो मैं एक ना एक दिन जरूर टेक्नीशियन ही नहीं मैं टीचर भी बनूँगा। और वहाँ एक चीज़ और है कि जो भी क्लास है 5 घंटे 6 घंटे की क्लास के अलावा भी हमको 7 घंटे 8 घंटे की क्लास प्रैक्टिकल क्लास होती है, जहाँ पे हैंड स्किल पे फोकस किया जाता है, जो भी हम थ्योरी क्लास में पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल मिलता है। और जो MD सर कराते हैं वो भी काफ़ी अच्छे सर हैं, मुझे वहीं पर हैंड स्किल पे इम्प्रूव किया जाता है स्टूडेंट का, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं वहाँ से आने के बाद मैं बहुत अच्छा से सक्सेस तरीके से काम कर रहा हूँ। और आप विशेष देखने के लिए आप मेरे फेसबुक पे देख सकते हैं मेरा पोस्ट, प्रतिदिन मेरा कोई ना कोई पोस्ट जाता है। तो थैंक यू SBI टेलीकॉम, थैंक्स ऑल सभी सर, मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ सर का कि आपने मुझे अपना स्टूडेंट बनाया और आपने ज्ञान मेरे साथ शेयर किया और मैं अपने मार्केट में बहुत अच्छा से नाम कमा रहा हूँ। थैंक यू SBI टेलीकॉम। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप सीपीयू EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर आईसी और 4th दिन में सीपीयू करवा देंगे। हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहां स्टूडेंट से काम करवाया जाता है,
ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहां बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर, ईएमसी